स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुदल हर्बल व्लॉग्स और आज हम परिचर्चा करेंगे रेड कुकर बीटल की और रेड पंपकिन बीटल की। इसके अलावा अन्य कई सारे कुकरबिटा इंसेक्ट्स हैं जो कुकरबिटा की जो फैमिली है उसको हार्म करते हैं। कुकरबिटा में आपकी घिया, त्योरी, कद्दू, सीताफल, अन्य अन्य प्रकार की काफ़ी फसलें कुकरबिटा फैमिली में आती हैं। तो ये है आपका रेड पंपकिन बीटल जो काफ़ी नुकसान करता है, फल फूल सब के ऊपर फीडिंग करता है, पत्तियों को काट देता है, जिससे आपकी जो पौधों की क्षमता जो होती है भोजन बनाने की वो बहुत कमज़ोर हो जाती है, कम हो जाती है। कई बार तो पौधे जब बहुत छोटे छोटे होते हैं तो ये उन पत्तियों को काट देता है जिससे पौधा मर भी जाता है। तो इसकी रोकथाम कैसे की जाए, इसको रिपेल किया जाए, भगाया कैसे जाए, इस पर कौन से जैविक जो दवाइयां हैं वो इस्तेमाल की जाएं, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो इसकी लाइफ साइकिल आप देखिए किस तरह से, मिट्टी में ये वॉर्म्स की फॉर्म में पाया जाता है, इस तरह से ये कैटरपिलर जो हैं ये मिट्टी में पाए जाते हैं, फिर प्यूपा की फॉर्म में भी ये मिट्टी में ही रहता है। तो एक तो हमें जब ये लार्वा की फॉर्म में होता है, ऐसे इस तरह कीड़े की फॉर्म में होता है, तो जब हम जैविक स्प्रे इसके ऊपर कर सकते हैं, PFP इस्तेमाल कर सकते हैं और PVP भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे इसकी जो कैटरपिलर हैं वो सोयल में ही ख़त्म हो जाएं। इसके बाद जब ये अडल्ट स्टेज में आ जाता है, ये इस तरह से दिखाई देता है, उस दौरान इसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि ये कोई स्प्रे अपने ऊपर लगने ही नहीं देता, बहुत ही फास्ट फ्लायर होता है, बहुत जल्दी उड़ जाता है, इंस्टेंटेनियस एक्शन होता है इसका, पलक झपकते ही उड़ जाता है। तो उस दौरान काफ़ी मुश्किल होता है इसको कंट्रोल करना, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये पत्तों को, बेलों के पत्तों को ना खाए, आपके पास छोटी बेलें हैं, तो आप सिंपली नीम जो है उसके पत्ते उबाल कर, जैसे आपने पाया जो या 250 ग्राम 500 ग्राम नीम ले के पत्ते ले लिए, उसमें आपको 3 गुना पानी है वो मिला के और गर्म करना है, और जब जो काढ़ा बनाए वो 1/4 रह जाए तो आप उसको पत्तों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे जो पत्ते हैं वो कड़वे हो जाएंगे और उनका टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा और ये उनको खाना बंद कर देगा। इसके अलावा आप साथ में PFP का स्प्रे भी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, PFP कुछ टाइम तो लेगी लेकिन इनके अंदर इनक्यूबेट हो जाएगी और फिर ये जो कीट हैं ये सफ़ेद होके मर जाएंगे। तो 5-6 दिन में, लेकिन क्या होता है, ये वोरेशियस फीडर है, खाता बहुत तेज़ी से है और बहुत ज़्यादा खाता है, तो 5-6 दिन में ये अगर छोटी बेलें हैं तो उनको ख़त्म कर देता है, इसलिए पहले हमें नीम स्प्रे करना पड़ता है। तो आप बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं और नई वीडियो बना सकूँ, मेरा उत्साहवर्धन हो। धन्यवाद।